गाइस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बाय द वे मैं काफी दिनों से इस वाले एयरबड्स को यूज कर रहा था, काफी मोटा सा और काफी कम प्राइस में भी है और साउंड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं था, बट प्राइस के मामले में ठीक था क्योंकि इसका प्राइस था बस 500 रुपये में। सो मैं जब भी इसे कानों में रखता था बहुत ज़्यादा मोटा है इसलिए अनकम्फर्टेबल फील होता, ज़्यादातर रखने में दुखता भी था, लेकिन इसको मैं आज रिप्लेस करने वाला हूँ और यूज़ करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का, एक बोल सकते हैं नॉइस कैंसिलिंग के साथ और एक अच्छा खासा ब्रांड के साथ भी। सो आज हम टेस्ट करेंगे Realme Buds Air 3 को। ये कहाँ गया भाई? ओ सॉरी गाइस, वो तो बाहर ही था क्योंकि मैंने इसको काफी दिनों से यूज किया, रिव्यू किया और आप लोगों के लिए तो बनता है भाई, पहले ही खोल दिया था इसलिए क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना था। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको अनबॉक्सिंग कंप्लीट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले बॉक्स को थोड़ा देख ही लेते हैं। Realme Buds Air लिखा हुआ है, यहाँ पर एक फोटो भी है एंड Realme का लोगो यहाँ पर भी है, Realme का लोगो यहाँ पर भी है, ऊपर कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं एंड पीछे हमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। Realme Buds Air 3TWS Airphones और बहुत सारे प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, बट हम लोग जल्दी से जल्दी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, इसे रखते हैं साइड एंड अभी हम लोग इसका जो डेटा केबल है इसे निकालते हैं। सो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, काफ़ी छोटा सा है लेकिन क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा क्वालिटी ठीक ठाक है, बट केबल थोड़ा सा लंबा देता तो अच्छा होगा। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स, देख सकते हैं 4 है, सो आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने एयर के मुताबिक। तो मैं इसे रख देता हूँ वापस एंड हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का और एक मैनुअल टाइप का है, इसको आप लोग स्कैन कर सकते हैं एंड कैसे कनेक्ट करते हैं एयरबड्स को वो भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर एक यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, सभी कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो हम लोग इसे साइड रखते हैं एंड चलिए केस को निकालते हैं। तो केस को निकालने के बाद कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, हमने व्हाइट कलर का ऑर्डर किया है क्योंकि हमें व्हाइट कलर पसंद है एंड कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिल जाता है, ऊपर Realme का लोगो है एंड कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, भाई काफ़ी अच्छा लगा केस वगैरह। नीचे के साइड हमें देखने को मिल जाता है USB टाइप सी पोर्ट जहाँ से आप लोग इसे चार्ज कर पाएंगे एंड कुछ इस तरीके का है एंड साइड में रखते हैं, पीछे की तरफ भी देख सकते हैं इस तरीके का है एंड साइड में हमें एक बटन देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हैं। बाय द वे इसको उतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते बट यहाँ पर एक लाइट भी है जिसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, सो आप लोग साइड नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा अंधकार करके देखते हैं। और इस लाइट से आप लोगों को काफ़ी आसानी होता है कि आपका केस चार्ज हो रहा है या फिर नहीं, आपका डिवाइस चार्ज हो रहा है या फिर नहीं, सब कुछ आसानी हो जाता है। एंड अगर हम लोग केस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा लुक है एंड वेट के मामले में काफ़ी अच्छा है, 57 ग्राम का है, काफ़ी हल्का होता है एंड देखने में भी काफ़ी अच्छा है। एंड आप देख सकते हैं जैसे हम लोग खोलते हमें थोड़ा सा फील होता है कि ये मैग्नेटिक नहीं है, सो प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे लगता है, अगर मैग्नेटिक होता तो बहुत अच्छा होता केस में। एंड हम लोग चलिए एयरबड्स को निकाल लेते, सो एयरबड्स का जो पोर्शन है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है एंड ऊपर देख सकते कुछ लिखा हुआ है बट हम लोग नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे तरीके से लिखा हुआ है। एंड देख सकते एयरबड्स हमारे सामने ही काफ़ी छोटा है एंड लुक में काफ़ी अच्छा लगता है एंड वाइट के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर कलर भी है और यहाँ पर मेटल भी है एंड जो सिल्वर कलर देख रहे हैं वो मेटल भी है एंड यहाँ पर एक जेस्चर भी है दोनों साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एंड यहाँ पर भी एक होल है, यहाँ पर एक माइक है और यहाँ पर चलिए एयर टिप्स को निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10mm का ड्राइवर यहाँ पर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बेस बूस्ट के साथ मिलता है जो हमारा स्पीकर है एंड स्पीकर ग्रिल भी यहाँ पर हम लोग देख ही पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का है एंड चलिए इसे लगा लेते हैं। एंड एक कितना मतलब छोटा है मैं उसके लिए कंपेरिजन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 500 रुपये में ख़रीदा था वो कितना बड़ा है और एक कितना छोटा है, सो आप लोग देख सकते हैं एंड क्वालिटी वाइज भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एयरबड्स को नीचे रख देते हैं। मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए एस से हमारा जो एयरबड्स है उसे निकालना पड़ेगा एंड हमें साइड में रख देना पड़ेगा, उसके बाद फ़ोन को निकालना पड़ेगा एंड फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना पड़ेगा, उसके बाद सर्च करना पड़ेगा Realme Link बोल के एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का एग्री एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद लोकेशन सेट कर लेना पड़ेगा, मेरा इंडिया है, आप लोग भी इंडिया को चूज़ करके सेलेक्ट कर लीजिए एंड गॉट इट हो चुका है। सो यहाँ पर हमें सिंग इन करना,
पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रेस करिए, सिंग इन ऑप्शन पे प्रेस करिए, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी देके सिंग इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद सेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड सेट करना है उसे सेट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आप पर देख सकते हैं हमारा जो भी यूज़र आईडी है वो बन चुका है। यूज़र आईडी बनने के बाद हमें डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए प्लस वाले बटन पर प्रेस करिए, टर्न ऑन करिए ब्लूटूथ को। एंड आपका जो भी डिवाइस है मेरे जैसे ऑडियो, इसीलिए ऑडियो ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ। एंड हमारा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, डिवाइस को चूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ पर है। हाँ गाइस, रियलमी बड्स एयर 3 यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन पर। एंड अभी हमारा जो डिवाइस है वो पर सर्च होना शुरू हो चुका है, तो अपना डिवाइस सर्च जैसे हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रियलमी बड्स एयर आ चुका है, यहाँ पर हमें पेयर कर लेना पड़ेगा। तो अलाउ पे प्रेस करिए, पेयर करिए और कुछ ही सेकंड के बाद देख सकते हैं एग्री करिए एंड हमारा डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है। एंड अभी हमारे ईमेल आईडी से हमारा डिवाइस कनेक्टेड हो रहा है। सो कुछ ही सेकंड लगता है कनेक्टेड होने में ईमेल आईडी के साथ। सो यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है डिवाइस। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मल नॉइस कैंसिलेशन। अगर आप लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करिए, बाहर का कोई भी नॉइस नहीं आएगा। यहाँ पर साउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, बेस्ट बूस्ट ब्लास्ट ब्लास्ट एंड सभी कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर ऑफ गेमिंग मोड को ऑन करके रखिए, नहीं तो लेटेंसी होगा और महसूस भी कर सकते लेटेंसी को, इसलिए गेमिंग मोड जल्दी से ऑन करके रखिए। मैं भी ऑन करके ही रखता हूँ। एंड यहाँ पर नीचे बटन ऑप्शन है, सो आप जो भी जेस्टर है बटन में उसे चेंज कर सकते हैं। डबल टैप में क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, सभी कुछ यहाँ पर से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करते तो इस वाले सेटिंग को आप लोग कर नहीं पाएंगे। नॉर्मल जो डिफॉल्ट आएगा उसी को चेंज कर पाते हैं। और उसी के साथ साथ एडबर्ड्स में कितना परसेंट चार्ज है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो लेफ्ट साइड में जो है उसमें 100%, राइट साइड में भी 100% है। अगर केस में कितना परसेंट है वो चेक करना चाहते तो केस के अंदर एक एयरबड्स को लगाइए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारे केस के अंदर 60% चार्ज हो रहा है, राइट पर एयरबड्स में चार्ज भी हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आप लोग एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते तो भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर ACC मोड को भी ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, बात कर लेते हैं इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि बाय करूं या फिर नहीं, क्योंकि इसका प्राइस भी ज्यादा है। 3500 बहुत ज्यादा प्राइस होता है एक नॉर्मल पीपल के लिए। सो पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं कि इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले तो इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का तो नहीं, बट एक नॉर्मल जो देखते हैं एयरबड्स उसी की तरह ही है, एक प्रीमियम क्वालिटी का। इसका जो एयरबड्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है, हल्का है और कंफर्टेबल है। एंड इसका जो एड टिप्स है, एक्स्ट्रा एड टिप्स है, सभी में मिलता है, बट इसमें भी मिला है, तो आप लोग चेंज कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल के मुताबिक। और प्राइस देखो गाइस, मतलब मुझे तो प्राइस के मामले में ही मैं बोलता हूँ इसे बाय मत करो। अगर बाय करना है, अगर इसका प्राइस 2000 भी होता ना, मैं बोलता बाय कर लो 2000, लेकिन ऑफर में अगर मिला के भी 2000 नहीं होता है, करीबन 3000 होता है, कभी पर 3500 होता है, तो 3500 में अगर मिलता है तो मत परचेस करो, 2000 के अंदर मिल जाता है तो परचेस करो, यही बोलना चाहता हूँ। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने इसका बैलिंग देके रखा है, जाके चेक करो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते दूसरे वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।